गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 का ही थोड़ा सा पोर्शन जो रिमेनिंग है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, मिड टर्म एग्जाम से पहले, उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी किया था। बच्चों आज हम देखेंगे कि अगर मान लो किसी फीमेल के अंदर एग तो हर महीने रिलीज होता है, अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होगा। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाली है व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है बच्चों, क्या होता है फीमेल्स के अंदर हर महीने साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। इन साइक्लिकल चेंजेस के शुरुआत में 3 से 5 दिन तक 3 to 5 days ब्लीडिंग होती है, वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। ठीक है ना, तो उस ब्लीडिंग में क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स है, वो डिजेनरेट होके, ठीक है, और साथ में जो ओव्यूम है, एग है, वो बाहर आता है ब्लड के साथ में। फिर 5 से 7 days में वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। फिर 7 से लेकर 13 days तक वापस से यूट्रस की जो वॉल है, जो यूट्रस की लाइनिंग है फीमेल्स के अंदर, वो बनना स्टार्ट हो जाती है, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस दौरान जो फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर, उनमें ओव्यूम भी डेवलप होता रहता है, और 14th day पर क्या होता है, ओव्यूम रिलीज हो जाता है। ठीक है, और उस दौरान अगर मेल और फीमेल का क्रॉस होता है और स्पर्म ओव्यूम तक या एग तक पहुंच जाते हैं, तो स्पर्म ओव्यूम को फर्टिलाइज कर देता है, एग को फर्टिलाइज कर देता है, फ्यूज कर देता है, जिससे जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों क्रॉस नहीं होता है, स्पर्म वहां नहीं पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब तक, और एग का स्पर्म के साथ में मीटिंग नहीं होती है, फ्यूजन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो बेकार चली गई। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रस की वॉल लूज होना स्टार्ट हो जाती है, और 28th day के बाद में क्या होता है, यूट्रस की लाइनिंग खुरच कर साथ में ब्लड वेसल्स और ओव्यूम को वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकालती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है, इस तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और इन साइक्लिकल चेंजेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों जब फीमेल्स 12 से 13 इयर्स की एज में जो गर्ल्स पहुंचती हैं, ठीक है, तो बेटा जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनकी जो शुरुआत होती है वो 12 से 13 साल की एज में, 12 से 13 ईयर की एज में, जिसे हम प्यूबर्टी की एज कहते हैं, तब स्टार्ट हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को हम कहते हैं मिनार्च। क्या कहते हैं? मिनार्च कहते हैं। ओके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब महिलाएं 45 से 50 साल की एज तक, 45 से 50 की एज तक पहुंच जाती है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसे हम कहते हैं मीनोपोज। इसे हम क्या कहते हैं? मीनोपोज कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को कहते हैं मिनार्च, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीज होने को हम क्या कहते हैं? मीनोपोज कहते हैं। तो इस तरीके से फीमेल्स के अंदर ये जो साइक्लिकल चेंज है, इन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। तो बेटा एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको भी मैं ये कहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिए। जहां कहीं भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, शॉर्ट दे रखा है, तो वो आप मेरे नोट से डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फॉर द फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहले लेते हैं हम बैरियर मेथड। क्या लेते हैं? बैरियर बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स क्या है बच्चों? किसी तरीके से स्पर्म को ओव्यूम तक ना पहुंचने दिया जाए, किसी तरीके से स्पर्म को ओव्यूम तक ना पहुंचने दिया जाए, इससे फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है, स्पर्म और ओव्यूम के मीटिंग को रोका जा सकेगा। ठीक है ना, और इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन को मेंटेन रखा जा सकेगा, गर्भ निरोधन करवाया जा सकेगा, बच्चों में गैप रखा जा सकेगा और फैमिली प्लानिंग की जा सकेगी। ठीक है ना, तो किसी तरीके से स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में जाने से रोका जाए। ठीक है ना, तो
यहाँ पर बैरियर मेथड्स का यही काम है। बैरियर मेथड्स के कई एग्जांपल हैं, सबसे पहले मैं लेता हूं कंडोम। बच्चों जो कंडोम होते हैं ये लेटेक्स के या प्लास्टिक की सीट होती है जो मेल के लिए, पुरुषों के लिए बनाई जाती है, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं मेडिसिन की शॉप्स पर, और इनको जो मेल है वो अपने पेनिस के ऊपर पहन लेता है, ठीक है ना, और ड्यूरिंग द क्रॉस विद द फीमेल, फीमेल के साथ में जब वो क्रॉस करता है तो वो पहने रहता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो फीमेल की वेजाइना में या फीमेल की बॉडी में जा ही नहीं पाते, तो ये एक मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड हम लेते हैं सर्विकल कैप, सर्विकल कैप। सर्विकल कैप क्या है बच्चों, जो वेजाइना के आगे जो सर्विक्स का पार्ट है वो भी एक पार्ट ही है, वहीं से तो होते हुए स्पर्म्स आगे जाते हैं यूट्रस से और फिर फैलोपियन ट्यूब तक। तो सर्विकल कैप्स क्या होती है, रबड़ की ट्यूब्स होती है जिनको जो महिलाएं हैं वो अपने सर्विक्स में लगा लेती है, ठीक है ना। तो जब क्रॉस होता है तो स्पर्म रिलीज जरूर होते हैं लेकिन वो सर्विक्स से आगे जा ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो सर्विकल कैप्स लगाकर भी क्या है कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है और स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब तक जाने से रोका जा सकता है सर्विकल कैप्स, ठीक है ना। सेकेंड थर्ड हम लेते हैं इसमें वो है डायफ्राम। बच्चों जो डायफ्राम जो डिवाइसेज हैं ये भी रबड़ की या प्लास्टिक की बनी होती है और इनको जो फीमेल्स है नेटिव फॉर्म में नहीं होती ये मतलब आधे इस फॉर्म में होती है, मैं बता देता हूं आपको इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। और ये जो डायफ्राम होता है ये फीमेल अपने सर्विक्स पर लगा लेती है, अपने वेजाइना वाले भाग में लगा लेती है। तो क्रॉस तो होता है, मेल और फीमेल मिलेंगे, क्रॉस के दौरान जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो अंदर एंटर नहीं हो पाते, तो डायफ्राम के द्वारा भी क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है। तो ये हो गए बैरियर मेथड, ठीक है बेटा। सेकेंड हम लेते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं इन्हें हम IUDs भी कहते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 3 से 5 साल तक के लिए, ठीक है ना। और इनमें कुछ मेटेलिक आयंस रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म्स के एंजाइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं, जो कि मेटेलिक होती है, ठीक है ना। और इनको परमानेंटली 3 से 5 साल के लिए फीमेल्स की बॉडी में लगाया जाता है, उनके यूट्रस में लगाया जाता है, और ये क्या करते हैं मेटेलिक आयन रिलीज करते हैं। इनका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कॉपर टी, इनका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है कॉपर टी। तो ये जो कॉपर टी है ये कॉपर आयन रिलीज करता है, क्या करता है कॉपर आयन रिलीज करता है और स्पर्म्स के साथ में रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से स्पर्म्स की एबिलिटी नहीं रहती कि वो ओव्यूम को जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो इसे इन्हें हम क्या कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं हॉर्मोनल मेथड, हॉर्मोनल मेथड। थर्ड मेथड जो है वो हॉर्मोनल मैकेनिज्म पर बेस्ड है। बच्चों आपको मैंने बताया था फीडबैक मैकेनिज्म, 10th क्लास एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि मैं कई चीजें आपको कंसेप्ट समझाने के लिए समझाता हूँ, वो जरूरी होता है क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। सपोज करो मेरे को किसी को टेबल या डिवाइड सिखानी है, तो बच्चा मान लो 3rd या 4th में है सपोज करो, और मेरे को टेबल या डिवाइड सिखानी है, तो मेरी प्रायर जो सबसे प्रायर थिंग जो होगी मेरी वो ये होगी कि मैं उस बच्चे से पूछूं कि आपको टेबल आती है क्या, और अगर वो बच्चा ये कहता है कि टेबल नहीं आती है तो फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई मैं सीधा नहीं सिखाऊंगा, मैं उनको पहले टेबल सिखाऊंगा, ठीक है ना, जिससे क्या टेबल आने पर वो डिवाइड और मल्टीप्लाई को कर पाएगा। तो उसी तरीके से बायो के अंदर साइंस के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि आपको मान लो मेरे को केमिकल रिएक्शन सिखानी है, आपको मान लो जेनेटिक्स समझानी है, ठीक है ना, तो उससे पहले उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताने जरूरी होते हैं। तो इसीलिए वो मैं बताता हूँ, वो भले एग्जाम में ना पूछे जाते होंगे, पूछे नहीं जाते होंगे, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है
उसमें खाली आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का स्केच क्या है, रिप्रोडक्शन ये पूछा जाएगा आपसे, एम्ब्रियो स्टेक की स्केच नहीं पूछी जाएगी, आपको ओव्यूल की स्केच नहीं पूछी जाएगी, आपको पॉलन ग्रेन की स्केच 10th स्टैंडर्ड में नहीं पूछी जाएगी। तो ये बच्चों आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट समझाना था इसलिए मैंने आपको वो स्केच बताई, जिससे आपको ये क्लियर हो गया कि सिंगेमी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। ओके 10th क्लास, तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपको कोई नई चीज समझाई जाती है तो उससे पहले उसके बेस को समझाना जरूरी होता है, और वही मैं हमेशा करता आ रहा हूँ। ठीक है, हार्मोनल मेथड्स में फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि इसमें कुछ गोलियां दी जाती हैं जिन्हें हम ओरल पिल्स भी कहते हैं, जिनमें प्रोजेस्ट्रॉन का या एस्ट्रोजन का फॉर्मुलेशन होता है। तो ये जब बॉडी में गोलियां लेते हैं, ठीक है ना महिलाएं, तो बॉडी में एक फीडबैक जाता है कि ये हार्मोन अवेलेबल है, तो नेचुरली ये हार्मोन बनते नहीं है, जिससे क्या ओव्यूम का रिलीज नहीं होता है। ठीक है, इसका एक और कंसेप्ट यह है कि कुछ गोलियां ऐसी होती है जो ओव्यूम को रिलीज ही नहीं होने देती, ओव्यूम को मैच्योर नहीं होने देती और रिलीज नहीं होने देती, तो ओव्यूलेशन को रोक लेती है वो। ठीक है ना, कुछ गोलियां ऐसी है जो कि इम्प्लांटेशन को रोक लेती है, इम्प्लांट नहीं होने देती, भले फर्टिलाइजेशन हो जाए लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो हालांकि इनके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं हार्मोनल मेथड्स के। इसके अलावा तो ये जो हार्मोनल मेथड्स है ये गोलियों के रूप में, गर्भ निरोधक गोलियां है ना, ओरल पिल्स के रूप में, इम्प्लांट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, छोटे छोटे तीलियों की तरह आते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन होता है, जो कि अंडर द आर्म स्किन के नीचे डाल दिया जाता है, और ड्रॉपलेट्स के रूप में जो हार्मोन है वो ब्लड में जाते हैं और एक फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं कि ये हार्मोन तो है, तो इसलिए नेचुरली जो बॉडी में ये हार्मोन बनते हैं वो बनेंगे नहीं और ओव्यूम का रिलीज होगा नहीं, इम्प्लांटेशन होगा नहीं। तो हार्मोनल मेथड्स के द्वारा भी किसी तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन को बनाए रखा जाता है, गर्भ निरोधन को बनाए रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो हार्मोनल मेथड्स में ओरल पिल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, ठीक है ना, तो ये सब। फोर्थ लेते हैं सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड में क्या है, सर्जिकल मेथड में दो है, हालांकि ये रिवर्सिबल है लेकिन वैसे ये परमानेंट मेथड होते हैं, वैसिटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। जो वैसिटोमी होती है बच्चों, ये मेल में की जाती है। वैसिटोमी किन में की जाती है, मेल में की जाती है। मेल के अंदर जो टेस्टिस से स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक लेके आते हैं, वास डिफरेंस, तो वैसिटोमी में जो वासा डिफरेंस दिया है उनको कट करके टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वैसिटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैसिटोमी कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है फीमेल्स में होता है, और फीमेल्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उनको कट करके उनको बांध दिया जाता है, जिससे क्या ओव्यूम रिलीज होते हैं लेकिन वो आगे फेलोपियन ट्यूब में मूव नहीं कर पाते हैं। तो वैसिटोमी और ट्यूबेक्टोमी ये सर्जिकल मेथड है, स्टरलाइजेशन मेथड है ये, ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स भी कहते हैं, हालांकि ये रिवर्सिबल होते हैं लेकिन वैसे ये परमानेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक मेथड्स थे कॉन्ट्रासेप्शन के, फैमिली प्लानिंग के। ठीक है ना, एक और मेथड है जिसे हम रिदम मेथड कहते हैं। होता क्या है बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 डेज का होता है और ये 28 डेज के बाद में रिपीट होता है, और 14th डे को एग रिलीज होता है, 14th डे को ओव्यूम या एग रिलीज होता है। तो जो मोस्ट चांसेस है कंसीव करने के फीमेल के अंदर, वो 14 से लेकर 17 डेज तक रहते हैं। तो अगर कोई पेरेंट, अगर कोई जो हस्बैंड वाइफ है वो अगर एक से लेकर 10वें दिन तक और सॉरी 10 से लेकर 17 डेज के बीच जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है वो उसको अवॉइड करे, 17 डेज के बाद सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करे या 10th डेज से पहले करे, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है ना, तो ये रिदम मेथड होता है। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, आप नहीं भी करेंगे चलेंगे, ये 12th क्लास में आप दोबारा इस मेथड को पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, बैरियर मेथड्स हैं जिनमें कंडोम, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम। सेकंड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUDs जिन्हें कहते हैं, जैसे कि कॉपर टी। उसके अलावा हार्मोनल मेथड्स है। फोर्थ है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में वैसिटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है बेटा, आप इतना करेंगे चलेगा, इतना सफिशियंट है। लास्ट में बात करेंगे अपन, जो जिसको भी बात करनी है, लास्ट के 5 से 10 मिनट अपन डिस्कशन करेंगे। अब हम लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है STD।
युवराज लास्ट में बात करेंगे अपन, हैंड डाउन कर लो। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट में STD कहते हैं और इन्हें हम वेनेरियल डिजीजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेरियल ठीक है बेटा, यहां पर कुछ डिजीजेस के मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया होता है निशेरिया गोनोरी। नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। सेकेंड हम लेते हैं सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या है? ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है और इनका असर जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स पर भी रहता है। तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और वेनेरियल डिजीजेज। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, इतना ही करेंगे, बड़ी क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे आप इनको। जैसे सबसे पहले लेते हैं गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये निशेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरियम से होता है। ठीक है ना, और इसका जो असर है वो जेनाइटल ऑर्गन्स पर रहता है और फुंसियां हो जाना, ठीक है, वहां पर पस फिल हो जाना, तेज इचिंग होना, ठीक है, तो ये रहता है। और जब मेल और फीमेल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करते हैं तो एक से दूसरे में ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। सेकेंड हम लेते हैं सिफिलिस। जो सिफिलिस है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये एक बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होती है और इसका इन्फेक्शन भी जेनाइटल ऑर्गन्स पर रहता है। पस भर जाना, तेज इचिंग होना, स्वेलिंग आ जाना, दर्द करना, ठीक है ना, ये सब इनके सिम्टम्स है। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं जेनाइटल वॉर्ड। जेनाइटल वॉर्ड, जो जेनाइटल वॉर्ड्स है ये एक वायरल डिजीज है और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है। किससे होती है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। इसे हम HPV भी कहते हैं इन शॉर्ट। इन शॉर्ट इसे हम क्या कहते हैं? HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ओके बेटा, तो ये भी एक STD है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका इंफेक्शन भी जेनाइटल ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। लगभग सेम से ही इनमें सिम्टम्स नजर आते हैं, पस भरना, इचिंग होना, स्वेलिंग आ जाना, रेडिशनेस हो जाना जेनाइटल ऑर्गन्स में। फोर्थ हम लेते हैं एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं इसे। ठीक है ना, और इसका कॉजल एजेंट है HIV। क्या है?
HIV, human immuno deficiency human immunodeficiency virus. ठीक है बच्चों, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके बेटा, तो एड्स जो डिजीज है ये मतलब ऐसी डिजीज है जिसका ये लाइलाज है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और HIV वायरस भी एक RNA वायरस होता है, ठीक है। और ये कई तरीकों से हमारी बॉडी में मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान अननोन पार्टनर के साथ में, अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान ये इन्फेक्शन आ जाता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज लेने से, इन्फेक्टेड रेजर का यूज लेने से, ठीक है ना, इन्फेक्टेड जो व्यक्ति है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाने से हेल्दी व्यक्ति में, या एक मदर जिसको एड्स है उससे उसके बच्चे में जो डिलीवर होता है जिस, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के दौरान अगर, तो वो क्या होगा कि बच्चे माँ से बच्चे में आ जाता है। तो एड्स इन इन कारणों से ट्रांसमिट हो सकता है। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस डिजीज के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून पावर है, वो एकदम ही रिड्यूस हो जाती है और व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एकदम वीक पड़ जाता है। और एक साथ कई सारे इन्फेक्शन, एक साथ कई सारी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो बच्चों ये जो डिजीज है इन इन कारणों से फैलती है और इसके अंदर इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि एक साथ कई सारी इन्फेक्शन और बीमारियां घर कर जाती है। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो किल हो जाती है, इम्यून सिस्टम इसलिए वीक पड़ जाता है। और एड्स की डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक होता है। मतलब उसको एक्सपोज होने में काफी साल लग जाते हैं, तब तक काफी लेट हो जाती है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना, इसका प्रिवेंशन ही इसका क्योर है, ठीक है बेटा। तो 10th क्लास चैप्टर 8 जो है वो आपका कंप्लीट होता है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। कल की क्लास में हम जेनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में है ये चैप्टर, तो कल की क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।